देखो ट्रिक टू में कुछ क्वेश्चन ना प्रैक्टिस में कर लेते हैं। 1/4 cos² x + 5 sin² x dx। थोड़ा सा वीडियो पॉज करना अपना और इसे क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करना, जो ट्रिक टू में मैंने दो टाइप कराए उनसे। अब देखने से ऐसा लग रहा है जैसे मैंने हमारा बेवकूफ़ बना दिया, क्योंकि वहाँ पहले मैंने कराया था एक साइन वाला, एक कराया कॉस वाला, और ये आ गया साइन कॉस दोनों वाला। ध्यान से देखो, ये या तो साइन है या एक कॉस है। कैसे? 1/4 ये 4 sin² x है, 4 cos² x है, तो 4 + sin² x। क्या क्या हमने समझ में आया? हमने क्या किया, 4 cos² x + 4 sin² x + sin² x। देखो 4 cos² + 5 sin² x, cos² + sin² कितना हो जाएगा 1, तो बचेगा 4 + sin² x। कन्वर्ट हो गया उसी में। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? 1/a + b sin² x। अगर 1/a + b sin² x होता तो उसमें क्या होता है, इक्वल्स टू 1/a + b, तो 4 + 1 = 5। ठीक है, फिर √a + b / a, है ना, a + b / a। a कितना है हमारे पास? 4। टैन इनवर्स सेम वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी, √5/4 tan x + c, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्व होके 1/, ये तो 2 हो गया, √5 tan inverse √5/2 tan x + c। ठीक है, अभी ना एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं करने के लिए तुम्हें। मान लो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, 1/4 cos² x + 9 sin² x। तो सेम हो गया, ये भी ऊपर वाला ही है, 4 cos² x तो अलग हटा दो, 4 + 5 sin² x dx। तो a तो ये हो गया, b ये हो गया, तो कितना आएगा, 1/a + b, है ना भाई, 1/a + b, तो 1/4 + 5 = 9। ठीक, फिर क्या आएगा, √a + b / a, है ना, 4। फिर tan इनवर्स सेम वैल्यू, √9/4 tan x + c, तो ये कितना हो गया, 3/9 × 2 tan inverse 3/2 tan x + c। इसी में थोड़ा सा ना और चेंज करते हैं क्वेश्चन को, इस बार क्वेश्चन लिख लेते हैं कुछ इस तरह से, 1/1 + 3 sin² x + 8 cos² x dx। देखो 3 तो ये आ गए, है ना, 3 में एक ऐड हो जाएगा तो कितना का, 4, तो 1/4, साइन चले गए, 3 कॉस चले गए, तो क्या बच गए हमारे पास, 5 कॉस बच गए, तो 5 cos² x dx। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, कॉस वाला। कॉस में हमने क्या पढ़ा था, 1/a, है ना, 1/a यानी कि 4, फिर √a/a + b, 4 + 5 = 9, tan इनवर्स सेम वैल्यू 4/9 और tan x + c। सो ये कितना आ गया हमारे पास, 2/4 × 3 tan inverse 2/3 tan x + c। ठीक है, ये हमने कुछ टाइप 2 पे अलग से क्वेश्चन थे जो बेस थे वो प्रैक्टिस किए।